In the today's class, we are going to start a new topic that is area volume. Now, देखिए आप ऐसे क्या हम एरिया और वॉल्यूम में स्पेशल पढ़ने वाले हैं कि हम एरिया और वॉल्यूम का डिस्कशन इस स्टेज पर आके कर रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद और अब हम एरिया वॉल्यूम का डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि ये टॉपिक तो ऑलरेडी हमने हमारे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ लिया है स्कूल में, दैट इज एरिया ऑफ द वेरियस शेप्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि हम आज ये इस स्टेज पर आके या सर्वेइंग में, दैट इज इंजीनियरिंग में, हम एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने जो अभी तक अपने जो एजुकेशन में, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन एंड लेटर ऑन एजुकेशन में पढ़ा है एरिया के बारे में, दैट एरिया इज ऑफ अ रेगुलर शेप सच इज रेक्टेंगुलर, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइडल। सो वहां पे जो हमने एरियाज पढ़े है वो एरिया एक डेफिनेट शेप और यू कैन से रेगुलर शेप के एरिया है। Suppose if there is any rectangle, so you can directly write the area of rectangle is if the length is L, width is B, so area is directly L into B. If there is any trapezium, so you can directly write if the distance between two sides is H and this is A1, this is A2, so area will be equals to A1 plus A2 into H by 2. So, ये तो आपको डायरेक्टली पता ही है कि जो रेगुलर शेप्स है उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूलास कहीं पहले ही पढ़ चुके। बट यहाँ पे सर्वेइंग में जो हम एरिया की बात करेंगे, वो सर्वेइंग में जिस एरिया की बात करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ इररेगुलर शेप लाइक दिस। सपोज देयर इज अ प्लॉट एंड उस प्लॉट का आपको एरिया निकालना है, शेप ऑफ दैट प्लॉट इज लाइक दिस, सो उस केस में आप कैसे डील करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक, दैट इज एरिया वॉल्यूम। नाउ इस टाइप के शेप्स या कोई भी इनरेगुलर शेप का एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कई सारे नंबर ऑफ मैथड्स दिए हुए है, वो सभी मैथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अभी हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एरिया एंड वॉल्यूम अलग अलग मैथड्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। सो प्रैक्टिकली जब भी आप एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ऑफसेट्स की। ऑफसेट्स ना, ऑफसेट्स तो हमने पढ़े थे, ऑफसेट्स क्या थे, ऑफसेट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सर्वे लाइन। और क्यों लिए जाते थे ऑफसेट, ऑफसेट्स लिए जाते थे कोई भी फीचर है आपके सर्वे में, आपके सर्वे एरिया में अगर कोई फीचर आ रहा है, नेचुरल फीचर या मेन मेड फीचर, तो उस फीचर की डिटेलिंग करने के लिए हम क्या लेते थे, हम ऑफसेट्स लेते थे। बट यहाँ पे हम किस चीज का ऑफसेट लेंगे, यहाँ पे हम एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो बाउंड्रीज है और जो सर्फेस है हमारी, उस अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो आप सरफेस का ऑफसेट लोगे, अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, बाउंड्रीज का ऑफसेट लोगे। सो प्रैक्टिकली अगर आप एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, आपको यू हैव टू डिवाइड द होल एरिया इंटू टू पार्ट्स बाय मेकिंग अ बेस लाइन। सो दिस इज अ बेस लाइन, हमने क्या किया एरिया को डिवाइड किया इंटू टू पार्ट बाय मेकिंग अ बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मेन सर्वे लाइन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। सो बेस लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, बेस लाइन बनाने के बाद वी आर गोइंग टू टेक ऑफसेट्स। सो यहाँ पे सपोज दिस इज पॉइंट ए, सो आई एम गोइंग टू टेक ऑफसेट, सपोज दिस इज अ ऑफसेट एट डिस्टेंस डी वन, सो डी वन डिस्टेंस पे एक ऑफसेट ले लिया, फिर अगेन डी टू डिस्टेंस पे दूसरा ऑफसेट ले लिया, फिर D3 डिस्टेंस पे तीसरा ऑफसेट ले लिया, D4 डिस्टेंस पे चौथा ऑफसेट ले लिया, D5 डिस्टेंस पे एक और ऑफसेट ले लिया, सिमिलरली D6 डिस्टेंस पे एक और ऑफसेट ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ऑफसेट्स ले लिए। नाउ मैं इनको नेमिंग कर दे रहा हूं, दिस इज ऑफसेट O1, this is O2, this is O3, this is O4 and O5. Now, अब ये offsets लेने के बाद क्या करेंगे, अलग अलग methods में ये जो दो offset के बीच का जो area है उस area को हम
कन्वर्ट करेंगे इनटू सम रेगुलर शेप्स। अभी क्या है, ये जो हमारा सरफेस है, अभी ये जो हमारा प्लॉट है, इसका इसका बाउंड्री कैसा है, इनरेगुलर है। अब ऑफसेट्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो ऑफसेट के बीच का एरिया है, इस ऑफसेट को हम कन्वर्ट करेंगे, इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे इनटू सम रेगुलर शेप सच एज रेक्टेंगल, सच एज ट्रेपेजॉइड और ट्रायंगल और सच एज पैराबोला। सो उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि ये जो पहला वाला मेरा ऑफसेट का एरिया है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। जो सेकेंड वाला एरिया है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम लाइक दिस। जो थर्ड वाला एरिया है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम लाइक दिस। उसके बाद वाले एरिया को अगेन मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल लाइक दिस। इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको। सो लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट द एरिया जो कि इररेगुलर शेप का है, उसको हमने कैसे कर दिया, रेगुलर शेप में कर दिया। सिमिलरली ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला लाइक दिस। ये एक पैराबोला हो गया, देन फिर यहां से ये एक और पैराबोला हो गया, देन यहां से फिर ये एक और पैराबोला हो गया। सो ऊपर वाले को क्या किया हमने, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल्स हमने कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाला जो था, उसको हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो भी एरिया है जो कि इररेगुलर शेप का है, उसमें हम ऑफसेट्स लेते हैं, और ऑफसेट्स के बीच का जो एरिया है, उसको हम क्या करते हैं, ऑफसेट के बीच के एरिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन सम रेगुलर शेप्स। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है सर्वेइंग में एरिया वॉल्यूम कैलकुलेशन का। अब कोई मेथड बोलता है कि भाई इसको आप रेक्टेंगल ले लो, कोई मेथड बोलता है कि भाई इसको आप ट्रेपेजियम ले लो, कोई मेथड बोलता है कि इसको आप पैराबोला ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज आपको दे देते हैं और आपको वो फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। बल्कि अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें हम मेथड्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेथड इन दिस इज मेथड्स में फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं हम। द फर्स्ट मेथड इज एवरेज ऑफसेट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज ऑफसेट मेथड। नाउ ये मेथड में क्या किया जाता है, आप पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए। नाउ इन दिस मेथड सपोज दिस इज द एरिया, दिस इज द प्लॉट जिसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस प्लॉट को एक बेस लाइन से डिवाइड कर लेंगे। सो इस प्लॉट को हमने बेस लाइन से डिवाइड कर लिया। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ऑफसेट्स लेके, अब कोई सी भी मेथड हो, उसमें जो ऑफसेट्स लिए जाते हैं, जो सबसे पहला ऑफसेट लिया जाता है वो कहाँ पे लिया जाता है, जहां से आपका बेस लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला ऑफसेट ओ वन ऑफसेट, जहां से आपका बेस लाइन स्टार्ट होगा आप वहां से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑफसेट लिया हमने ओ वन पे, फिर दूसरा ऑफसेट लिया हमने ओ टू विच इज एट अ डिस्टेंस डी, फिर तीसरा ऑफसेट लिया हमने ओ थ्री विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस डी, फिर उसके बाद हमने ऑफसेट लिया ओ फोर विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस डी, फिर हमने लिया ओ फाइव विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस डी, फिर हमने लिया ओ सिक्स विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस डी, फिर हमने लिया ओ सेवन, विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस डी। नाउ इसी टाइप से हम ऑफसेट्स लेते गए ओ एन माइनस टू, this offset is on minus 1 and this offset is on, this distance is d and this distance is also d। so इस टाइप से जब हम offsets लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं offset at regular interval। नाउ इस टाइप से ऑफसेट लेते तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट एट रेगुलर इंटरवल। नाउ ये कंसर्न नहीं है इस मेथड का। नाउ ये मेथड क्या बोलती है, ये मेथड बोलती है कि इस पूरा जो एरिया है, इस एरिया को, दैट इज ये वाला एरिया ऊपर वाला,
इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। एंड जो रेक्टेंगल में ये ऑफसेट आया, इसको इन्होंने बोल दिया एवरेज ऑफसेट। ठीक है, सो इस जो एरिया ये था इररेगुलर शेप का, इसको एवरेज एरिया ऑफसेट मेथड क्या बोलते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस लाइन। और जो रेक्टेंगल की विड्थ है उसको इन्होंने बोल दिया, इसको आप कर दीजिए इक्वल टू एवरेज ऑफसेट। सो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला से, इस मेथड से अगर एरिया लिखूं, सो एरिया विल बी इक्वल टू, देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, आप बिफोर राइटिंग द एरिया आप देखिए, कभी भी आप कोई मेथड लगाएंगे या एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो कंप्लीट एरिया है ना वो कंप्लीट एरिया नहीं मिलेगा आपको, बेस लाइन के ऊपर का दे देगा या बेस लाइन के नीचे का दे देगा। सो बेस लाइन के ऊपर का एरिया निकाल लो, फिर बेस लाइन के नीचे का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, दैट देन यू विल गेट द टोटल एरिया। तो जो भी एनालिसिस आपसे करवाएगा ना एग्जाम में, वो एनालिसिस सिर्फ इतना शेप देकर ही आपसे करवाएगा लाइक दिस ओनली। सो आपको हमेशा एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में इतना ही एरिया देगा। ठीक है, तो ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसा है, कि ये था कैसा एरिया है, कि इररेगुलर है पर एक तो लाइन इसकी एकदम स्ट्रेट है। सो जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे भी इररेगुलर एरिया था, बट दैट स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बेस लाइन। और उसके एक साइड का आपको ऑफसेटिंग दे दिया, आप उससे उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो ठीक है, आपका जो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है, पूरा एरिया कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसीजर को आपको दो बार करना है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है। तो कभी भी आपको एग्जाम में देगा तो इस टाइप से बेस लाइन के एक साइड का ही आपको शेप देगा और आपसे पूछ लेगा। यह सेम आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है किसके लिए, बेस लाइन के दूसरे साइड के लिए। जो सारे ऑफसेट्स आप कैलकुलेट करोगे प्रैक्टिकली, वो सारे ऑफसेट्स को लेके आप अलग अलग मेथड में वैल्यूज रख के आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे। सो जो ये वाला मेथड है, दैट इज एरिया ऑफसेट मेथड, इसमें क्या बोल रहा है ये कि ये जो इररेगुलर शेप है, इस इररेगुलर शेप को आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। और ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बेस लाइन। और इसके जो विड्थ है वो, ये सभी जो भी ऑफसेट्स आपने लिए O1, O2, O3, O4 गोइंग अप टू ON, इनका आप एवरेज ले लीजिए तो क्या वो बन जाएगा, इससे आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू एवरेज ऑफसेट इन टू टोटल लेंथ। सो इस केस के लिए देखिए एवरेज ऑफसेट कितना आ रहा है, इट इज O1 प्लस O2 गोइंग अप टू ON डिवाइडेड बाय N इनटू टोटल लेंथ। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आप मुझे बताइए टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ देखिए, जब ऑफसेट 1 पर थे तो लेंथ कितनी थी, 0। ऑफसेट 1 पे लेंथ कितनी है, 0। ऑफसेट 2 पे लेंथ कितनी है, D। ऑफसेट 3 पे कितनी है लेंथ, 2D। ऑफसेट 4 पे कितनी है, 3D। ऑफसेट 5 पे कितनी है, 4D। ऑफसेट 6 पे कितनी है, 5D। तो ऑफसेट N पर कितनी लेंथ होगी, इट इज N माइनस 1 इंटू D। समझ में आया। सो टोटल लेंथ N इंटू D नहीं है, अगर N नंबर ऑफ ऑफसेट्स है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, N माइनस 1 इंटू D। क्योंकि पहला ऑफसेट कहाँ पे लिया हमने, जहां से बेस लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे पहला ऑफसेट लिया। लास्ट ऑफसेट कहाँ लिया, जहां पे बेस लाइन एंड हो रही है वहां पे लास्ट ऑफसेट लिया। सो हमेशा जो पहला ऑफसेट लोग लेंगे वो बेस लाइन के स्टार्टिंग से लेंगे, आखिरी ऑफसेट बेस लाइन के एंड पे लेंगे। दैट मीन जो टोटल लेंथ होगी बेस लाइन की, दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू द इंटरवल ऑफ ऑफसेट, जिस इंटरवल पे आपने ऑफसेट लिया है। सो यहाँ से अगर मैं एरिया की वैल्यू लिखू, सो एरिया ए इज इक्वल टू O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस गोइंग अप टू ON इंटू N माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाय N। नाउ दिस मेथड, क्योंकि ये मेथड पे बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम, क्यों ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं,
एक बहुत ही इनरेगुलर शेप का एरिया उसको हमने सडनली रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर लिया है। दैट इज व्हाई ये जो मेथड आपको रिजल्ट्स देगी आर दैट रिजल्ट्स विल नॉट बी एक्यूरेट। सो रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट। सो इस मेथड से जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे दैट रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट, और एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो ओरिजिनल शेप है वो इट इज टोटली इररेगुलर, और जो आपने शेप अज्यूम किया है वो बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली है, तो यहाँ पे आपको कई सारे आपको एरर्स मिलेंगे। सो जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट एक्यूरेट। नाउ इसके लिए सेकेंड मैथड सजेस्ट किया गया है, दैट इज मैथड नंबर टू। सो सेकेंड मैथड इज ट्रेपेजॉइडल मैथड। नाउ ट्रेपेजॉइडल मैथड में क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल मैथड में सपोज दिस इज द एरिया, नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस प्लॉट। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम विल मेक अ बेस लाइन। नाउ अब बेस लाइन बना लिया, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे और इसको भूल जाएंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर आप ऊपर वाले के लिए फॉलो करोगे सेम प्रोसीजर आप ये बेस लाइन के नीचे वाले इररेगुलर एरिया के लिए फॉलो करोगे। सो वी विल मेक अ बेस लाइन एंड नाउ वी विल टेक ऑफसेट्स। सो हम यहाँ पे ऑफसेट्स ले रहे हैं। सो दिस इज ऑफसेट O1, दिस इज ऑफसेट O2, दिस इज ऑफसेट O3, दिस इज ऑफसेट O4, दिस इज ऑफसेट O5 एंड यहां से मैं कंटिन्यू करते हुए जाऊंगा। दिस इज ऑफसेट ON-1 दिस इज ऑफसेट ON-1 एंड दिस इज ऑफसेट ON एंड यहां से अगर मैं ऑफसेट इंटरवल की बात करूं तो दिस इज D, दिस इज ऑल्सो D, D, सो हर डी डी इंटरवल पे ऑफसेट्स लिए हैं। नाउ ये मेथड क्या बोलती है, ये मेथड बोलती है कि कन्वर्ट दीज ऑफसेट्स के बीच का जो एरिया है उसको कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, उसको कन्वर्ट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम। सो यहाँ पे क्या कर लिया गया है, इस एरिया को कन्वर्ट कर लिया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम लाइक दिस। सो हर दो ऑफसेट्स के बीच में जो स्ट्रिप बनी है, हर दो ऑफसेट के बीच की स्ट्रिप को आप कन्वर्ट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम, और हर स्ट्रिप का इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करिए और पूरे एरिया को टोटल कर लीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द प्लॉट। सो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 गोइंग अप टू, ये वाला कौन सा एरिया होगा, दिस इज AN-1, AN नहीं होगा, दो स्ट्रिप्स के बीच में एक एरिया है, तीन स्ट्रिप के बीच में दो एरिया है, चार स्ट्रिप के बीच में तीन एरिया, तो एन स्ट्रिप के बीच में कितना हो जाएगा, N-1 एरिया। सो आई कैन राइट टोटल एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 गोइंग अप टू AN-1। नाउ हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस ऑफ साइड डिवाइड बाय टू। सो आई कैन राइट A1 इज इक्वल्स टू O1 प्लस O2 इनटू डी बाय टू लिख सकते हैं। सिमिलरली A2 इज इक्वल्स टू O2 प्लस O3 इनटू डी बाय टू। सिमिलरली A3 इज इक्वल्स टू O3 प्लस O4 इंटू डी बाई टू। सिमिलरली A4 इज इक्वल टू O4 प्लस O5 इंटू डी बाई टू गोइंग अप टू AN इज इक्वल टू
सॉरी, ए एन तो है ही नहीं ना, ए एन माइनस वन ही है, ए एन इज नॉट एन एरिया, टोटल नंबर ऑफ एरिया इज ए एन माइनस वन. सो ए एन माइनस वन इज ओ एन माइनस वन प्लस ओ एन इंटू डी बाई टू. नाउ एड दिस, सो टोटल एरिया ऐड कर दीजिए, मैं डी बाई टू को कॉमन ले लिया है, क्या आ गया, ओ वन प्लस ओ टू प्लस ओ टू प्लस ओ थ्री प्लस ओ फोर, सॉरी प्लस प्लस ओ थ्री प्लस ओ फोर प्लस ओ फोर प्लस ओ फाइव प्लस गोइंग अप टू ओ एन माइनस वन प्लस ओ एन. सो आप देखिए, फर्स्ट और लास्ट रीडिंग को छोड़ के हर रीडिंग दो दो बार आएगी, ओ टू ओ थ्री, ओ थ्री ओ फोर. ठीक है, ओ टू दो बार आएगा, ओ थ्री दो बार आएगा, ओ फोर दो बार आएगा, ओ फाइव दो बार आएगा. तो फर्स्ट और लास्ट रीडिंग को छोड़ के हर रीडिंग दो बार आएगी. सो आई कैन राइट टोटल एरिया इज इक्वल टू डी बाई टू ओ वन प्लस ओ एन प्लस ट्वाइस ऑफ ओ टू प्लस ओ थ्री प्लस ओ फोर प्लस ओ फाइव गोइंग अप टू ओ एन माइनस वन. सो आई कैन राइट टोटल एरिया इक्वल्स टू डी बाई टू इंटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस टू टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट ऑफसेट. सो फर्स्ट ऑफ डी बाई टू इंटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफसेट्स, टू टाइम्स समेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफसेट्स. ये हो गया हमारा सेकेंड मैथड, दैट इज ट्रेपेजॉइडल मैथड. इस मैथड में क्या बोला गया है, इस मैथड में बोला गया है दैट कन्वर्ट द एरिया बिटवीन द स्ट्रिप्स इनटू अ ट्रेपेजियम. नाउ थर्ड मैथड में क्या बोल रहा है, मैथड नंबर थ्री, इट इज कॉल्ड एज सिम्पसन्स रूल. इट इज कॉल्ड एज सिम्पसन्स रूल. नाउ सिम्पसन्स रूल क्या बोलता है, सपोज दिस इज एन एरिया, सो इसमें क्या करेंगे हम, वी विल मेक अ बेस लाइन एंड अगेन वही स्टार्टिंग पॉइंट से पहला ऑफसेट लेंगे ओ वन. सो फर्स्ट ऑफसेट लिया ओ वन, सेकेंड ऑफसेट लिया ओ टू, थर्ड ऑफसेट लिया ओ थ्री, फोर्थ ऑफसेट लिया ओ फोर, फिफ्थ ऑफसेट लिया ओ फाइव, कंटिन्यूड इन दिस वे, देन दिस ऑफसेट इज ओ एन माइनस टू, दिस ऑफसेट इज ओ एन माइनस वन एंड लास्ट ऑफसेट इज ओ एन. सो इस तरीके से हमने ऑफसेट्स लिए. नाउ दिस लेंथ इज डी वन, सॉरी now the offset interval is regular, that is d d d d, offset interval is regular. now अब ये सिम्पसन्स रूल क्या बोलता है, सिम्पसन्स रूल बोलता है कि आप एक एक स्ट्रिप का एरिया मत कैलकुलेट कीजिए, आप दो स्ट्रिप का एरिया साथ में कैलकुलेट कीजिए और वो जो दो स्ट्रिप के बीच का एरिया है आप उसको अज्यूम करिए इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला. सो ये सिम्पसन्स रूल क्या बोलता है, सपोज दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रिप, तो ये बोलता है एरिया इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस गोइंग अप टू ए एन माइनस टू, गोइंग अप टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन. सिम्पसन्स रूल बोलता है कि आप पेयर्स में एरिया कैलकुलेट कीजिए. सो दिस इज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन. सो सिम्पसन रूल बोलता है कि आप इस तरीके से पेयर्स में एरिया को कैलकुलेट कीजिए. नाउ इसका रीजन क्या है, ये
इस एरिया को कन्वर्ट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। सो जो कॉन्सेप्ट है सिम्पसन्स रूल का, तो सिम्पसन्स रूल क्या बोलता है कि कन्वर्ट द एरिया बिटवीन द स्ट्रिप्स इनटू अ पैराबोला, और पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो एरिया ये लिखता है दैट एरिया इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू डी बाई थ्री ऑफसेट वन प्लस फोर टाइम्स ऑफ ऑफसेट टू प्लस ऑफसेट थ्री। सिमिलरली ये बोलता है ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल टू डी बाई थ्री ऑफसेट थ्री प्लस फोर टाइम्स ऑफ ऑफसेट फोर प्लस ऑफसेट फाइव। सिमिलरली ये बोलता है ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी बाई थ्री ऑफसेट एन माइनस टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ ऑफसेट एन माइनस वन प्लस ऑफसेट एन। सो इस तरीके से इसका जो टोटल एरिया आ जाता है, टोटल एरिया डी बाई थ्री हम कॉमन ले लेते हैं, वी विल राइट ओ वन प्लस फोर टाइम्स ऑफ ओ टू प्लस ओ थ्री प्लस ओ थ्री प्लस फोर टाइम्स ऑफ ओ फोर प्लस ओ फाइव प्लस गोइंग अप टू ओ एन माइनस टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ ओ एन माइनस वन प्लस ओ एन। सो यहां से देखिए इसका रिड्यूस फॉर्म, ओ वन कितनी बार आया, सिर्फ एक ही बार। ओ एन कितनी बार आया, सिर्फ एक ही बार। सो आई कैन राइट ओ वन प्लस ओ एन। फिर ओ टू कितनी बार आया, ओ टू फोर टाइम्स फोर ओ टू, फिर फोर ओ फोर, फोर ओ एन माइनस वन। दैट मीन्स I can write 4 times of O2 plus O4 plus going up to. फिर O3 कितनी बार आ रहा है, O3 1 2, similarly O5 भी 2 बार आएगा। So इस तरीके से 2 times of O3 plus O5 plus going up to. So जो formula बन के आता है यहाँ से area का formula आता है, area is equals to D by 3 O1 plus ON प्लस फोर टाइम समेशन ऑफ इवन ऑफसेट्स प्लस टू टाइम समेशन ऑफ ऑड ऑफसेट्स। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ देखिए इसमें क्या किया है, इसने पेयर ऑफ स्ट्रिप्स में बना लिया है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रिप्स। एक एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट नहीं किया सिम्पसन ने, किया क्या, पेयर ऑफ स्ट्रिप्स बना लिए, दो दो स्ट्रिप्स का पेयर बना के दो दो स्ट्रिप्स का एरिया साथ में कैलकुलेट किया। इसकी वजह से देयर आर सम लिमिटेशंस। सो लिमिटेशन क्या है, अगर आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिप दो है या चार है या छह है या आठ है तो आप इसको लगा सकते हैं, पर अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स तीन है तो आप क्या करेंगे, यू कैन नॉट अप्लाई दिस। अगर तीन स्ट्रिप्स बन रही है दैट मीन नंबर ऑफ ऑफसेट कितने हो गए, देखिए यहाँ पे दिस इज स्ट्रिप नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। अगर तीन स्ट्रिप्स है तो कितने ऑफसेट हो गए, चार ऑफसेट हो गए, तो चार ऑफसेट के लिए यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, ठीक है। अगर पांच ऑफसेट है तो कितनी स्ट्रिप बनेगी, तो चार स्ट्रिप बनेगी, चार स्ट्रिप बनेगी तो दो पेयर बन जाएगी, यू कैन अप्लाई दिस मेथड। सो इस मेथड का क्या लिमिटेशन है, इस मेथड का लिमिटेशन है कि जो नंबर ऑफ ऑफसेट्स है दैट मस्ट बी ऑड, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफसेट जब ऑड होंगे तभी इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेगी, और इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेगी तभी आप उनके पेयर्स बना पाएंगे। सो दिस मेथड यू कैन अप्लाई ओनली व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट इज ऑड, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट्स के लिए आप लगा सकते हैं। नाउ सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑफसेट्स कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ थ्री ऑफसेट्स होने ही चाहिए, दैट मींस मिनिमम इसमें दो स्ट्रिप्स बननी ही चाहिए तभी आप ये मेथड को लगा सकते हैं। सो अगर इन ओवरऑल मैं बोलूं लिमिटेशन ऑफ सिम्पसन्स रूल, तो क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन है सिम्पसन्स रूल का दैट देयर शुड बी मिनिमम थ्री ऑफसेट्स और नंबर ऑफ ऑफसेट्स मस्ट बी ऑड। सो लिमिटेशन is minimum three offsets and only applicable
for odd number of total offsets. अगर total offsets का number odd आ रहा है तभी आप ये लगा सकते हैं. Suppose if I take total offset 11, you can apply. Total offset 13, you can apply. Total offset है 10, you cannot apply. 10 offsets के लिए आप नहीं लगा सकते. So इसका solution क्या है? इसका solution क्या है? The solution is apply Simpson's rule for maximum odd number of offset and then apply trapezoidal method for last strip. So, जो लास्ट वाला स्ट्रिप आपके पास बच गया है, लास्ट की दो सेट के बीच में जो स्ट्रिप बच गया है उसका एरिया कैसे निकालोगे? आप उसका एरिया निकालोगे बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल मेथड. और उसके पहले वाली जो सारी स्ट्रिप्स का आपने पेयर बना लिया उसका आप कैसे निकालोगे? उसका आप निकालोगे बाय यूजिंग सिम्पसन रूल. सपोज यू आर हैविंग 10 नंबर ऑफ ऑफसेट, 10 ऑफसेट है तो उसकी कितनी स्ट्रिप बनेगी? उसकी 9 स्ट्रिप्स बनेगी. तो 8 स्ट्रिप का पेयर बना लीजिए. That means offset number 1 से लेके offset number 9 तक आप क्या कर लीजिए? Offset number 1 से लेके offset number 9 तक आप Simpson's rule लगा लीजिए. और offset 9 और offset 10 के बीच का जो strip है उसमें आप क्या लगा लीजिए? उसमें आप trapezoidal rule लगा लीजिए. Trapezoidal method लगा के आप उसका area calculate कर लीजिए. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप handle कर सकते हैं उन problems को जिसमें odd even number of ऑफसेट्स दिए हैं, इवन नंबर ऑफ ऑफसेट्स, पर फिर भी आप सिम्पसन्स लगा सकते हैं. जो मैक्सिमम आउट नंबर ऑफ ऑफसेट्स के लिए आप सिम्पसन लगा सकते हैं उसके लिए आप सिम्पसन्स लगाइए. और जो लास्ट वाला एक स्ट्रिप बचा है वो लास्ट वाले स्ट्रिप के लिए आप क्या लगा लीजिए? ट्रापेजॉइडल लगा लीजिए. और दोनों का टोटल करके यू कैन डिनोट द वैल्यू ऑफ एरिया. नाउ प्लीज राइट इन दिस, दिस मेथड इज वैलिड ओनली विथ odd number of offsets. This method is valid only with odd number of offsets. To work with even number of offsets, Simpson will be applied up to last odd offset and the remaining area will be calculated using trapezoidal rule. So Simpson's आप कहां तक कैलकुलेट करें, कहां तक यूज करेंगे? जो लास्ट ऑड ऑफसेट है वहां तक आप सिम्पसन लगा लेंगे. और जो उसके बाद वाला एक स्ट्रिप बच गया उसमें आप क्या लगाएंगे? उसमें आप ट्रापेजॉइडल रूल को अप्लाई करेंगे. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया दैट वाज फॉर एरिया कैलकुलेशन. और अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट वाज फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन. So similar to area calculation, volume calculation में भी there are some methods. बस जहां पे आप area calculation में offset लिख रहे थे वहां आप volume calculation में क्या करेंगे? वहां आप volume calculation में area को denote करेंगे. देखिए किस तरीके से. देखिए volume calculation की बात करते हैं. Suppose this is an embankment और इस embankment का मुझे volume calculation करना है. नाउ इस एम्बैंकमेंट का जो टॉप सरफेस है दैट इज प्लेन, बट ये जो बॉटम वाला सरफेस है ना, दिस बॉटम सरफेस इज नॉट प्लेन, दिस इज अंड्यूलेटिंग. सो अभी तक जो हमने ट्रापेजॉइडल रूल और ये रूल पढ़ा है, सेम रूल्स हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. बट वहां पे हम क्या ले रहे थे? वहां पे हम ऑफसेट्स मेजर कर रहे थे एट रेगुलर इंटरवल. यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे? यहाँ पे हम एरिया मेजर करेंगे एट रेगुलर इंटरवल.
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेगुलर इंटरवल्स पे एरिया को मेजर करेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, रेगुलर इंटरवल्स पे ऑफसेट्स को मेजर किया था, यहाँ रेगुलर इंटरवल पे क्या करेंगे, एरिया को मेजर करेंगे। देखिए किस तरीके से, सो दिस इज एरिया ए वन, दिस इज एरिया ए टू, दिस इज ए थ्री, दिस इज ए एन माइनस वन एंड दिस इज ए एन। सो इस तरीके से हमने क्या लिया है, रेगुलर इंटरवल दैट इज डी, डी रेगुलर इंटरवल पे हमने क्या ले लिया, हमने डिफरेंट सेक्शंस काट के उन सेक्शंस का एरिया कैलकुलेट कर लिया। एंड नाउ हम सेम रूल्स को अप्लाई करके, दैट इज द फर्स्ट रूल वाज ट्रेपेजॉइडल मेथड, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू डी बाय टू ए वन प्लस ए एन प्लस टू टाइम्स ऑफ ए टू प्लस ए थ्री प्लस गोइंग अप टू ए एन माइनस वन। दैट मीन्स इट इज डी बाय टू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ इंटरमीडिएट एरिया। तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल मेथड, सेम ही मेथड है, सिर्फ उसका हमने ऑफसेट्स की जगह पे क्या कर दिया, ऑफसेट्स की जगह पे एरिया को कर दिया। सिमिलरली सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो सेकेंड इज सिम्पसन्स रूल, हियर इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिज्मोइडल रूल। सो टोटल वॉल्यूम total volume will be equals to d by 3 a1 plus an plus 4 times of a2 plus a4 plus 3 2 times of a3 plus a5. So this is equals to total volume is equals to d by 3 first area plus last area plus 4 times of area at even sections plus 2 times of area at odd sections। सो इस तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल। सेम वॉल्यूम के लिए भी उसके लिमिटेशंस होंगे, दैट देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ एरियाज, ऑड नंबर होना चाहिए एरिया के। अगर इवन नंबर्स है दैट मीन्स जो लास्ट वाला ऑड नंबर है वहां तक आप सिम्पसन्स रूल लगाइए और उसके बाद जो एक वॉल्यूम बच जाएगा वो वॉल्यूम को आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। So I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। This is it for today. We'll meet in the next class.